क्या हालत हो गया तेरा चिकना। जाने के लिए सामान हो रहा है धीरे धीरे पैक। हेलो, दिस इज योर दिवा दत्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवा दत्ता व्लॉग। आज के इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरा लाइफ का फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंड, मालूम नहीं कब होगा, छोड़िए एंड का बात, छोड़िए स्टार्टिंग। तो आज मैं हो रहा हूँ नगाँव शिफ्ट, एक जगह से एक जगह शिफ्ट होने में मालूम है कितना क्या होता है, लेकिन वहाँ मैं अभी तक रूम नहीं लिया। एक हफ्ते जैसे मैं अपने बुआ के घर में रहूँगा, उसके बाद एक रूम लेके देखते आगे मालूम नहीं क्या होता है क्या नहीं। तो आज जाऊँगा नगाँव, उससे पहले पैकिंग वुकिंग करना है सब कुछ। और कल मैंने एक बाइक लिया तो आपका वीडियो देखा है आप सभी ने, नहीं देखा तो ये वाला वीडियो है आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ओके, तो पहले तो अभी तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। हो जुदा हो चुका है पैकिंग, एक बैग इसमें है ड्रेस, ये मोबाइल लेने के लिए, वहाँ पे कुछ सामान है, बाकी सब ये बाइक के पीछे बांध कर लेकर जाने के लिए बैग, ये रस्सी उस दिन दोस्त का दुकान से लेकर आया था। चलो रेडी फाइनल। किलोमीटर इस बाइक पे अभी जाना होगा। दो बस नगाओ। नमस्कार, पप्पू पप्पू वहाँ पे सब बाइक में, ये वाला शू पहन के जाऊंगा अभी, ये वाला शू पहन के चलता हूँ अभी। ये उस दिन हमें कीचड़ लग गया था थोड़ा, ये साफ करना पड़ेगा, ये सॉक्स। चलिए, कौन फोन किया, ये कंपनी वाला काम नहीं है कंपनी। पापा भाई का भी बाइक में बैग बन रहा है, बस लास्ट टाइम ऐसा तवांग गया था पूरा तैयारी करके, और आज इस बार नगाओ फर्स्ट टाइम घर से बाहर। ओ बढ़िया, देखी बोला ओह थैंक यू, आशीर्वाद दो। टेंशन नहीं है, कैसे नहीं को दूसरा पूरे नहीं ना, कुछ ऐसा सेटअप है मेरा, देख सक रहे हो यहाँ पे। ओके निकलते हैं अभी, आया बोलूँ सप्ताह 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 मैंने की, देखो आज क्या बोलूँ, आज के ना कल क्या बोलूँ। হ্যাঁ ফোন করুন ফোন করুন, থাকো ফার্স্ট টাইম বাইরে কিছু না, আর বলুন কানবা না, কান্দাছ নাকি তাহলে, এই তো সবাই দেখতেছি কিন্তু এখানে সবাই বহুত মানুষে, আর বলুন জলদি জলদি, টেনশন নেই না। কি জল বলতো একটা ডাকবো, কি আসি কানবা না, কিছু প্রবলেম হলে ফোন করে বুঝো। থাকো কেন না বিন্দাস, আয় বরুম আসি থাকো, ফার্স্ট টাইম এসে ঘরকে, ফার্স্ট টাইম এসে ঘর সে বাহার যা রা হুম,
मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसे पहले गया लेकिन काम के लिए, फर्स्ट टाइम मतलब काम के लिए नहीं, घूमने के, फर्स्ट मतलब पहले भी ऐसे गया लेकिन घूमने के लिए, फर्स्ट टाइम काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे वो ख़राब दिल से लग रहा है और माँ तो रो ही दिया, पापा भी सैड है देखकर मालूम चल रहा है। लेकिन लड़का जब बड़ा होते जाएगा तो काम का जिम्मेदारी भी सर पे आता रहेगा, तो यही बात है, बाकी और कुछ नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं, और अभी फिलहाल निकलते हैं। और ये रहा FZ का टूर। ओ पेट्रोल भी डालना होगा, मैं भूल ही गया पेट्रोल के बारे में यार, पेट्रोल भी डालना होगा, पेट्रोल है ही नहीं, कल 200 का डाला था, अभी जाके कुछ 300 का डाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कल, कल के बारे में कल सोचेंगे, और डायरेक्ट नौगांव में जाके मिलते हैं। ओके बाय बाय। अभी बस यहाँ पर मोटर ब्लॉक होता है ख़त्म, और बाकी डायरेक्ट मिलते हैं नगाँव जाके। और मैं आते आते भूल ही गया एक चीज़ लाना, मेन मोबाइल का चार्जर। सब कुछ लेकर आया हूँ लेकिन मोबाइल का चार्जर लाना ही भूल गया, अभी जाके मोबाइल का चार्जर लाना होगा, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। ठीक है थीके? तो 20 क्रॉस करके अभी यहाँ तक पहुँचे, और नगाँव जाने का दो रोड है, एक है इस तरफ से सीधा और एक है इस तरफ से। ये होता है अम्बागन निकाल के, तो यहाँ से शॉर्टकट होता है मिनिमम 20 किलोमीटर जैसे शॉर्टकट होता है यहाँ से, तो पेट्रोल का भी बचा था और मेरा भी, तो यहाँ से चलते हैं। ओके आके थोड़ा यहाँ में रेस्ट लिया, रेस्ट मुझे नहीं चाहिए, बाइक को चाहिए क्योंकि नया है। और बाकी एक चीज़ आप सभी को दिखाता हूँ, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ उसके पहले। बाइक का पूरा 92 ना 93 किलोमीटर हो चुका है कंप्लीट, मतलब 100 होना ही वाला है, ये देख सकते हैं यहाँ 93 किलोमीटर 100 होगा ही, और थोड़ा कुछ ही मिनटों में। और बाकी इस वैसे इस बाइक का 1 महीने में सर्विसिंग होगा या 1000 किलोमीटर पे, जो पहले होगा 1 महीने या 1000 किलोमीटर तब फास्ट सर्विसिंग होगा, मतलब कल बोला है डीलर से, मालूम नहीं अभी। और पापा ने तो बैग इतना कस के बांधा है, बाप हिल भी नहीं रहा है, खतरा है। ठीक है थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर निकलते हैं, अभी टाइम 4:40 हो रहा है, 4:50 या 5 बजे निकल जाते हैं, निकल चलते इस जगह से। और जगह भी काफ़ी बढ़िया है, छाव है चारों ओर देख सकते, इतना बढ़िया है, पूरा धूप में आके जब ऐसा जगह आपको मिले तब रुकने का मन करता है श्योर। नया जिंदगी नया लाइफ शुरू होने जा रहा है, मालूम नहीं कैसा होगा। देखते रहिए आप सभी और मैं भी। ओके अभी निकलते हैं, बहुत टाइम रेस्ट कर लिया यहाँ पर। बाकी हेलमेट जो दिया ना बहुत बढ़िया है, यामाहा स्टील बार्ड, स्टील बार्ड मुंह के साथ ऐसे लगा रहता है कि कुछ भी बाहर का साउंड सुनाई नहीं देता इस हेलमेट में। ठीक है निकलते हैं अभी। थोड़ा अभी जस्ट पहुंचा, अभी से खोल लेते ऊपर चलते उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं। और बुआ के घर से अभी जस्ट यहाँ पर आया हूँ, ये बैग विजलेट ये सब लेने के लिए, आज रात को कल से ड्यूटी शुरू है मेरा और ड्यूटी स्टार्ट है मेरा। और बाकी नया बाइक के ऊपर लगा दिया 2 बॉक्स। तभी घर चलते खाना खाते उसके बाद सो जाते हैं सुबह से काफी। और अभी टाइम हो रहा है रात का 9:30 और मैं हूँ नगाँव क्लॉक टावर के सामने में, पीछे मेरा बॉक्स, और अभी जा रहा हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ मतलब बुआ का घर में। एक दिन आया था यहाँ पे घूमने के लिए, आज काम करने के लिए, मालूम नहीं फ्यूचर में क्या होगा। ओके निकलते हैं।